जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में पहले वनडे मुकाबले से पहले आज जो दूसरा इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला गया उसी रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वही दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब मैदान पर बल्लेबाज कर रहे थे श्रेयस अय्यर, तो उस दौरान उनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि देखकर वीडियो आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार श्रेयस अय्यर ने ऐसा क्या किया था। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी पद संभालेगा अब ये बल्लेबाज, नाम जानने के बाद पूरा भारत देश उठा खुश। तो दोस्तों आखिरकार कौन है भारतीय टीम का नया टेस्ट कप्तान, उसके बारे में भी जानेंगे। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी नई खबरों को के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम का इंटर स्क्वाड मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज़ पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला के बाद अब तीन मैचों की ओडीआई सीरीज जारी होने वाली है, जहां पर दोस्तों ओडीआई मैचेस की सीरीज को जीतना भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि भारतीय टीम को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। तो और ऐसे में दोस्तों इन वनडे मुकाबलों को किसी भी हाल में जीतने के लिए भारतीय टीम अब अपना दमखम मैदान पर दिखाती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, पहले इंटर स्क्वाड मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया, लेकिन दोस्तों अब आज जब दूसरा इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला गया तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का आक्रामक रूप आज के इस मुकाबले में देखने के लिए मिला। दरअसल दोस्तों आज भारतीय टीम के तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी केएल राहुल की टीम, जहां पर केएल राहुल की टीम ने आज के इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन दिखाया। और वहीं दोस्तों केएल राहुल की टीम की तरफ से आज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग के तौर पर श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर उतरे, जहां पर श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों यहां पर श्रेयस अय्यर ने 95 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने 45 रन बनाए। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेंकटेश अय्यर के बारे में, तो वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शिखर धवन, जो कि आज केएल राहुल की टीम में शामिल थे। तो वहीं दोस्तों शिखर धवन ने आज के इस मुकाबले में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 88 रन ठोक डाले। और दोस्तों यहां पर 88 रन की पारी की बदौलत शिखर धवन की टीम का स्कोर 228 रन तक पहुंच गया, जहां पर 228 रन के बाद फिर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की पारी की बदौलत टीम का स्कोर 280 रन तक पहुंचा, जहां पर 81 रनों का लक्ष्य जसप्रीत बुमराह की 11 टीम के सामने रखा गया। तो वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह की टीम जब मैदान पर उतरी तो जसप्रीत बुमराह की टीम को आज के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह की टीम में कप्तान विराट कोहली ने आज अच्छी पारी नहीं खेली, वो बस मात्र 23 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 रन बनाए और ऋषभ पंत ने आज के इस मुकाबले में 52 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वहीं दीपक चाहर ने 48 रन बनाए और उनकी पारी इतनी ज्यादा सफल हो नहीं सकी जितनी कि उन्हें मैच जीतने के लिए चाहिए थी। तो ऐसे में दोस्तों आज का ये रोमांचक मुकाबला जसप्रीत बुमराह की टीम ने हार लिया। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर केएल राहुल की टीम में जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद थे, जहां पर जसप्रीत बुमराह की टीम में आज के इस मुकाबले में ना तो बल्लेबाजी में दमखम देखने के लिए मिला ना ही गेंदबाजी में। लेकिन दोस्तों फिर भी यहां पर भारतीय टीम के अगर बल्लेबाजों और गेंदबाजों की बात की जाए तो टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया, और ऐसा ही प्रदर्शन हम सभी चाहेंगे कि भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाए। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को अगर भारतीय टीम को हराना है तो उनको जबरदस्त प्रदर्शन कर इस इंटर स्क्वाड मुकाबले से ही सीख लेनी होगी और वनडे मैचेस में अप्लाई करना होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पहला वनडे मुकाबला भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ जीतेगी या फिर नहीं, और साथ में दूसरे इंटर स्क्वाड मुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए आप उनको 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, सभी को टीम मैदान पर उतरती हुई नजर आएगी। उसमें काफी ऐलान किया गया था कि टीम में कप्तान रोहित शर्मा नहीं होंगे और उनकी जगह पर कप्तानी केएल राहुल संभालेंगे, जहां पर टीम में विराट कोहली को भी शामिल किया गया। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भारतीय टीम का स्क्वाड किस तरह का है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब यहां पर गेंदबाजी में देख पा रहे होंगे कि गेंदबाजी में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया, चाहर, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, तो जैसे कि आप
सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज अब होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि वनडे सीरीज में भारतीय टीम दमदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित है, क्योंकि भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। और आप सभी जानते हैं कि टेस्ट सीरीज में भारत की हार के बाद कितना बड़ा बवाल भारत में मचा, और ऐसे में अब भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज के बाद अब ये वनडे सीरीज को किसी भी हाल में जीतना जरूरी है। जहां पर वनडे सीरीज में आप सभी को भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं विराट कोहली इस मुकाबले में शामिल तो होंगे, लेकिन दोस्तों वो बतौर कप्तान इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, वो भूमिका अब केएल राहुल निभाएंगे, परचम लहराए। हालांकि दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम में इस बार टेम्बा बबूमा कप्तान होंगे। और वहीं दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की, तो भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में 19 जनवरी को ये मुकाबला खेला जाएगा, जहाँ पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप सभी 2 बजे से दोपहर में देख सकोगे। तो वहीं दोस्तों पहला वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहेगा, जहाँ पर भारतीय प्लेइंग 11 टीम कुछ इस प्रकार से आप सभी को नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ये पहले उनके नाम बताते हैं आपको। दोस्तों जो भारतीय स्क्वाड का इस बार हिस्सा रहने वाले हैं, उसमें नाम निकल कर आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, शिखर धवन का, श्रेयस अय्यर का, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, वेंकटेश अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में भारतीय टीम के स्पिनर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया जाएगा प्लेइंग 11 में या फिर नहीं, या फिर युजवेंद्र चहल पहली पसंद रहेंगे। हालांकि दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की कौन सी प्लेइंग 11 टीम उतरनी चाहिए, जो कि साउथ अफ्रीका की टीम को खुलेआम चुनौती दे सके। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये जसप्रीत बुमराह की टीम को दिया। तो वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह की टीम में ऋषभ पंत शामिल थे, जहां पर इस दौरान शिखर धवन और सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग करी। तो वहीं दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ओपनिंग करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसा डाले। जी हां दोस्तों, यहां पर शिखर धवन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए, जैसा कि आप सभी आप में देख सकते हो। तो वहीं शिखर धवन का साथ देने उतरे सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला खूब चला, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 52 रनों की पारी खेली। हालांकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ऋषभ पंत, जहां पर ऋषभ पंत ने बची हुई कसर पूरी कर दी और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात कर 86 रन बना लाए। अन्य खिलाड़ियों के 5-6 रनों की बदौलत ऋषभ पंत की टीम ने जीत हासिल करी। और ऐसे में दोस्तों अब आपकी क्या राय है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों के प्रदर्शन को देखने के बाद, और आप इनके प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।